लाल सिंह चड्ढा इस तरह पिटेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। आमिर खान का स्टारडम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। 4 साल बाद एक फिल्म लेकर आया, उसके बावजूद फिल्म अगर डूब रही है तो इसको बेवकूफी कही जाए या होशियारी कही जाए या बदकिस्मती क्या कही जाए, क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जहां पे 5 दिन तक इसने 45.83 करोड़ का कलेक्शन किया था, 45 करोड़ 83 लाख का, वहां पर ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है एज पर ट्रेड एस्टिमेट्स, अर्ली ट्रेड एस्टिमेट्स। और 2.5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 50 लाख ये अगर कलेक्शन किसी फिल्म का हो रहा है, स्पेशली आमिर खान की फिल्म का, वो भी अपनी 6th डे, तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, हैरानगी वाली बात है। और इसका टोटल इसके बाद जाएगा 48.33 करोड़। 6 दिन में कलेक्शन 48.33 करोड़ जा रहा है। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो फेलियर थे उसका पहले दिन का कलेक्शन 51 करोड़ था। सोचिए कितना कुछ चेंजेस हो चुका है कोविड के बाद, क्लैश करने की क्या नौबत आ पड़ी थी ये बात माफ करना मुझे समझ में नहीं आ रही है। और टोटल ये फिल्म का जो कलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। और आज से मुझे लगता है लाल सिंह चड्ढा जिसने 70% तक का ड्रॉप लिया है, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसका आधा ड्रॉप उसको लेना चाहिए था। और आज से लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों को ही ट्रोल किया जाएगा, पब्लिक नहीं छोड़ने वाली है इन फिल्मों को सोशल मीडिया पर। और ये कलेक्शन चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसके लाइफ टाइम कलेक्शन उतनी फिल्मों के बहुत कम होने वाले हैं। बाय बाय।